हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इडली ढोकला। ढोकला नॉर्मली आपने मोल्ड में बनते हुए देखा होगा, चकोर में, गोल में, लेकिन आज ये इडली ढोकला हम इडली मेकर में बनाने वाले हैं। इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली निकल कर बाहर आ जाता है। चलिए इडली ढोकला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम बेसन लिया है और उसमें 2 पिंच हल्दी ली है, आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक, 1 चम्मच चीनी, ग्रेटेड जिंजर और 2 हरी मिर्च को छोटा छोटा बारीक काट कर ले लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने आधे नींबू का रस लिया है और ये मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी और मिलाऊँगी। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला सा बैटर बनाएंगे। जो हमारा बैटर है वो जितना गाढ़ा होगा, हमारा जो ढोकला है वो अंदर से उतना ही कच्चा होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, वो पकता नहीं है ठीक से। तो हमें जो बैटर बनाना है उसकी रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप बैटर ज़्यादा ही पतला कर दें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ अब हम पानी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब मैं उसमें आधा चम्मच राई या सरसों के दाने जो हैं वो डाल देंगे। यहाँ मैंने 8-10 हरी मिर्च को बीच में से एक कट लगा कर ले लिया है और आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी मिर्च इसमें डालें तब उसमें बीच में कट लगा कर डालें। कभी कभी मिर्च जो है वो फूल जाती है ऑयल में जाकर और वो छटक कर आपके ऊपर आ सकती है। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसे खूब पकाएंगे। चीनी और नमक हरी मिर्च को तेल में डालने के बाद ही डाल देना है आपको। उससे क्या होगा, जो हमारी मिर्च थोड़ी स्पाइसी होती है वो थोड़ी चीनी के साथ, चीनी जब मिर्च के साथ मेल्ट होगी तो वो थोड़ी कम स्पाइसी हो जाएगी और एक अलग अच्छा टेस्ट देगी आपको। यहाँ देखिए हमारा जो पानी है वो अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बैटर भी रेडी है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। अब लास्ट में हम इसमें 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा या इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या है, जो हमारा ढोकला है वो बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार होगा, बहुत अच्छी जालियाँ आएंगी। और सॉफ्ट करने के लिए हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। तो अब यहाँ मेरे पास कुछ मोल्ड हैं, अब हम इनको ग्रीस कर लेते हैं। एक एक बूंद ऑयल डालेंगे इसमें और उसको ग्रीस कर देंगे हम। आप चाहें ब्रश से, टिश्यू से, हाथ से, जैसे आप चाहें वैसे उसको ग्रीस कर सकते हैं। तो अभी जो हमने बैटर बनाया था ना, इसको इसमें डाल देंगे। और आप कोशिश करें कि आप थोड़ा कम ही बैटर डालें, क्योंकि हम इसे इडली मेकर में बना रहे हैं तो कभी कभी ये जब फूलती है तो फूलने के बाद जो ऊपर वाला सांचा है उसमें ऊपर चिपक जाती है ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो हमें थोड़ा कम ही बैटर रखना है ताकि वो फूल सके अच्छे से। तो यहाँ मैंने तकरीबन सभी में बैटर जो है वो डाल दिया है। अब मैं इसको सेट कर दूंगी ये कुछ इस तरह से। यहाँ मैंने एक बर्तन में 1 गिलास पानी लिया है और ये जो हमने सांचा तैयार किया है, तो अब इसको रख के ढककर तकरीबन 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। टूथपिक से इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से कच्ची तो नहीं है। तो यहाँ मैंने टूथपिक डाला और ये थोड़ी गीली आई है, तो इसको अभी हम और पका लेते हैं थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट। अब दोबारा चेक करने पर, ये देखने पर ही पता चल रहा है कि जो इडली है वो हमारी पक गई है। तो अब हमने सांचे को बाहर निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा करेंगे। ये इडली ढोकला बनाते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इडली निकालें तो आप उसे ठंडा करने के बाद ही निकालें, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि टूट सकता है। तो आप पहले इसे ठंडा करें उसके बाद ही निकालें। इसको निकालने में ज़्यादा मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल होगी इसे निकालने में, ये इजीली निकल जाता है। बस इसके एक कोने से आप स्टार्ट करके दूसरे कोने तक चाकू की हेल्प से आप इसको ऐसे घुमा घुमा कर निकाल सकते हैं।
जैसे मैंने निकाले हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इडली बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है। ना बहुत सॉफ्ट। ये बाज़ार से भी अच्छी लगेगी आपको। आप जो ढोकला मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे। ये घर में रखे बेसन से ही सिर्फ बनकर तैयार हो जाती है और बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी बनती है, और आप इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसी तरह से सारी इडलियों को निकाल लिया है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है। इसके अंदर की जालियाँ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी फूली है अंदर से, और जालियाँ भी बहुत अच्छी बनी है। तो हमने सारे इडलियों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने जो पानी तैयार किया था वो हम किसी सर्विंग स्पून की हेल्प से इसके ऊपर डाल देंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके हर एक इडली के ऊपर ये पानी डालना है। तो हमारा इडली ढोकला बनकर तैयार है। ये आपको देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी आपको उतना ही मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।